लास्ट डे के बारे में तो आप लोगों को पता ही कि लास्ट डे को क्या क्या हुआ था, मेरे को कैसे ढाई रूल वगैरह ने चारों तरफ से घेर लिया था, उसके बाद क्या क्या हुआ सारी चीजों को आप लोगों ने देखा था। और भाई साहब कपड़े भी उतार दिया यार। तो अभी सामने चलेंगे और सारी चीजों को देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और पॉसिबल है मैं कुछ भी करके बचूं यहाँ पे, क्योंकि बॉस तक जाना इम्पॉसिबल है मुझे जो लग रही है। मैंने आज तक देखा भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों के मुंह से सुना है कि बॉस क्या। और आज जो रूम पे जाऊंगी मैं उसमें एक रूम पे रहेगा रैप्टर वगैरह, दूसरे रूम पे एथ्रोप्लूरा और थर्ड रूम पे होगा उल्ली राइनोसोरस। तो सारी चीजों को मैं दिखाने वाली हूँ कैसे कैसे किया मैंने सारी चीजों को, इतना कम मतलब सारे आर्मर्स को लेके। तो सभी चीज को देखेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले होला टीओस गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं रिखा आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ एआर के सर्वाइवल। दूर से देखने में सारी चीजों को बहुत अच्छा लगती है बट पास आने पे उतना ही टफ है ना। तो वैसे ही मैंने लास्ट डे को कम्प्लीट किया था, कॉम्पी को मारा, फिर डायर रूल एंड सर्वर टू सारी चीजों को मारा और बहुत सारी इधर पे प्रीमियम बॉक्स को भी कलेक्ट किया। बट पता नहीं कि लास्ट तक मैं जा पाऊंगी या फिर नहीं। बाकी सामने मुझे और एक प्रीमियम बॉक्स मिल जाती है, उसको पहले खोल लेते। और इधर से मुझे वो भाई साहब सिंपल कॉलर बोल के कुछ मिला है, तो पता नहीं इसका यूसेज कैसा है और क्या करने वाले हैं हम इसे। पहली बात तो मैं बाहर कैसे निकलूंगी वही सबसे बड़ी बात है। बाकी इधर पे मैं आ जाती हूँ और एक प्रीमियम बॉक्स को कलेक्ट करने, भिखारी कलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं बॉस तक पहुंच पाऊंगी। तो अभी इधर पे सिर्फ एडवांस बुलेट जैसा आई थिंक राइफल का, शॉर्ट गन राइफल ना क्या राइफल, आई थिंक लॉन्ग नेक राइफल का, तो जो भी हो। तो अभी इधर पे मुझे और एक बॉक्स दिख जाती है, इसको खोल लेते। तो इधर पे शॉर्ट का मिल जाता है भाई साहब, अच्छा अच्छा चीजें मिल रही है। बाकी इसके पास एक चाबी जैसा कुछ है, मुझे नहीं पता इसको कैसे खोला जाता है, कुछ भी नहीं पता। बाकी इधर पे एक टनल जैसा कुछ दिख रही है, तो इसके पास मैं तो आ जाती हूँ बट इधर से जा नहीं सकते। बहुत ही सुंदर लग रही है, आइसक्रीम ट्री की याद आ जा रही है मुझे, सच बता रही हूँ। तो अभी इधर से मैं निकल जाती हूँ। निकलने के बाद सामने देखो मैप पे इधर पे और एक बक्सा का पॉइंटर दिखा रहा था, तो मैं इधर पे आ जाती हूँ। आने के बाद फटाफट से इधर से भी मैं कलेक्ट कर लेती हूँ और इधर से मुझे मिल चुकी है फैसिलिटी की। तो चलो फाइनली मुझे फैसिलिटी की मिल चुकी है, अब वो जो दरवाजा है उसको खोल सकती हूँ आराम से। तो फटाफट से इधर पे और एक प्रीमियम बॉक्स मुझे मिल चुकी है, इसके पास मैं आ जाती हूँ। आने के बाद पहले इधर पे देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो जैसे मैं इश बे क्या दिया है, तो अभी चलो इधर से निकलते हैं और सामने और एक प्रीमियम बॉक्स मुझे इधर से दिख रही है, तो उसके पास पहले चलते हैं और जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा उधर पे क्या मिलेगा या फिर क्या नहीं। तो फटाफट से उसके पास आ जाते हैं। आने के बाद मैं इधर पे जैसे ही इस बॉक्स को खोलती हूँ भाई, तो जैसे ही मैं इस बॉक्स को खोलती हूँ इससे ज्यादा बढ़िया चीजें मैंने आज तक नहीं देखा भाई साहब, जैसे मुझे प्राइमेट झाड़की दिया जाता है भाई। इधर पे देखो और एक बॉक्स है, इसमें देखते हैं क्या मिलता है। कुछ अच्छी चीजें दिए थे भाई, मेडिकल ब्रू भाई, क्यों क्यों कर रहा है भाई ऐसा मेरे साथ, अरे यार। तो अभी इधर पे मैं अपना जो कपड़ा वपड़ा है उसको पहले चेंज कर लेती हूँ फटाफट से, जूता वगैरह कपड़ा वपड़ा जो भी चीजें थी फटाफट से। अभी मैं घुसने वाली हूँ इस दरवाजे के अंदर से, ठीक है ना। तो मुझे फैसिलिटी की मिल चुकी थी और मैं अभी आ चुकी हूँ फाइनली इस रूम पे भाई, सब पता नहीं इसमें क्या देने वाला है। बाकी इधर पे आने पे भाई कुछ नहीं है क्या, ओह शिट, तो यही है रैप्टर वाले रूम भाई साहब। ऐसे भाई डराए मत कर यार वाले, तो इधर पे इतने सारे रैप्टर का हमला हो जाता है बट ओ शिट यार ये डायर रूल वगैरह से कम जोर निकला, तो सही बात है। तो इधर पे फटाफट से सारे रैप्टर को फटाफट से खत्म करते हैं। तो इधर पे सारे जितने भी रैप्टर था मैं एक के बाद एक बाहर करते जाती हूँ और फटाफट ये लोग भी खत्म होता जाता है। बट इधर पे मुझे एक चीज समझ में आया कि भाई साहब रैप्टर इधर पे कमजोर है, कॉम्पी एंड रैप्टर आप लोग आसान तरीके से मार सकते हो बट सेवर टू डायर रूल को मारना बहुत मुश्किल है। तो इधर पे सारे रैप्टर को मार देती हूँ, फिर से और एक बार शुरू हो जाती है, कोई बात नहीं इसको भी मार देंगे फटाफट से। और बीच बीच में आप लोग मेडिकल ब्रू को भी, तो फाइनली इधर पे मैं सारे रैप्टर को तो मार देती हूँ। इधर पे सामने और रैप्टर मुझे इधर पे दिख जाती है, उन लोगों को भी फटाफट से मार देते। वो भाई कहा जा रहे हो, इसको पहले मार देता और वो देखो दूर पे कुछ और ही दिख रहा था, शायद उसे और कुछ दिख गया होगा। बाकी इसको मारने के टाइम भाई साहब इसका कलर देखो, इसका टेक्सचर देखो भाई कितना सुंदर बना है यार सारे, सही में बहुत अच्छा। ओ भाई मेरे को जकड़ दिया है भाई, यही होना बाकी था, सच बता रही हूँ यही होना। भाई छोड़ दे भाई मेरे को छोड़ दे भाई। तो फाइनली इधर से मैं निकल तो चुकी हूँ बट ये लोग इतना ज़्यादा टफ नहीं है रैप्टर वगैरह, रैप्टर और कॉम्पी दोनों ही इधर पे थोड़ा सा कमजोर है। बाकी मुझे ओ भाई फिर से और एक राउंड स्टार्ट हो गया भाई, कितना राउंड देगा यार, इधर पे ही मार दे मुझे।
तुम्हारे पास इधर पे सारे रैप्टर को मैं तो इधर पे कुछ भी करके मैं इन लोगों को मार तो देती हूँ, बट इधर पे चलो फाइनली आई थिंक इस बार खत्म हो चुकी है। फटाफट से कपड़ा वगैरह चेंज कर लेती हूँ, पता नहीं फिर से क्या कुछ भेज दे ये लोग, तो इधर पे मैं सारी चीजों को चेंज तो कर लेती, बाकी इधर पे सामने जाना पड़ेगा अभी, तो फटाफट इधर पे सारे कुछ को पहले चेंज कर लेती हूँ। तो अभी इधर पे चेंज कर लिया, अभी चलते सामने की तरफ और देख दे मैप के अनुसार ही मैं जा रही हूँ। जैसे जैसे सामने जाते रह रही हूँ वैसे वैसे मैप भी खुलता जा रहा है, एक साइड बंद हो जा रही है दूसरे साइड खोल जा रही है, यही दिख रही है। बाकी सामने मुझे एक बॉक्स मिल जाती है फिर से एक बार, तो ये एक प्रीमियम बॉक्स है तो इसको भी कलेक्ट कर लेते, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो भाई साहब क्या दिया भाई, अरे भाई छी बे क्या दे रहा है ये सब, ये है सब प्रीमियम बॉक्स का भाई कुछ भी। तो अभी चलो सामने और एक बॉक्स दिख रही है उसको भी कलेक्ट कर लेते, देखते इसके अंदर से क्या ऐसा निकलता है, क्या ऐसा क्या दिया भाई। टेक फेंस, अच्छा कुछ टेक फेंस है, पता नहीं इसका यूसेज कैसा है और कैसे यूज किया जाता है। बाकी मैंने कलेक्ट तो कर रही हूँ, कोई काम की नहीं है ठीक है ना, क्योंकि मैं बाहर कैसे निकलूंगी मुझे नहीं पता। तो अभी सामने इधर पे भाई साहब इधर के घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना उस तरीके से इधर पे दिया है गया है। बाकी मैं रुको जरा इसको देख लेती हूँ, अच्छा इधर से ऐसे निकल रहा है ना, तो इधर से बहुत सावधानी रख के मुझे निकालना पड़ेगा, और ऊपर से भी एक एक करके बर्फीले ये छोड़ रहा है और इधर से ऐसे निकल रहा है, और बिल्कुल सामने की तरफ रास्ता है भाई। अब रास्ता मैंने छोड़ दिया था कि चलो कोई नहीं उधर पे से नहीं जाएंगे उसको छोड़ते, बट अब तो कोई मतलब जगह ही नहीं है कि मैं कोई दूसरे जगह से जाऊँ, तो भगवान के नाम लेके अभी जाना पड़ेगा। भाई निकल लूँ ओ गॉड, फटाफट से मेरी गलबड़ी को पी ली, तो भाई साहब खतरनाक वाला डैमेज पड़ा है, देख रहे हो आप लोग, अगर और एक लगता है ना तो इधर पे मैं खत्म थी। तो अभी इधर पे घुस तो जाती हूँ, फिर मैं इधर पे सेव करते जा रही होती ठीक है ना, तो मुझे ये लग रही है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं सारे चीजें मैं खो दूंगी, बाकी सेव नहीं करूंगी तो भी दिक्कतें हो जाएगी, तो मैंने सारे कुछ को सेव रखा था इधर पे। तो अभी सामने की तरफ चलते है, और ये भी मुझे लग रही है कोई एक मतलब खुफिया कोई एक मतलब ये होगा, पता नहीं किसका है ये, बाकी घुस तो चुकी हूँ, कुछ नहीं दिख रही है सामने भाई, बट ये तो लग ही रहा है कि कोई जादुई रूम है। ओ आर्थ्रोप्लूरा, तो ये आर्थ्रोप्लूरा का रूम है, तो सामने से ही आ रहा था, मैंने इधर पर शॉर्ट गन को निकाल लिया। ऐसे नहीं होता है बेटा, ऐसे नहीं कर सकते भाई, 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 मैंने गलती होगी भाई, वो गलती हो गई मेरे से, तो इधर पे मैंने शॉर्ट को निकाल लिया। बाकी मैं ओ शिट यार, इसका मतलब इसका जो रफ्तार ये बहुत कम है, तो मैंने फिर से एक बार शॉर्ट गन को निकाल लिया, और शॉर्ट गन से ही मैं सारे आर्थ्रोप्लूरा को इधर पे मार रही हूँ। तो अभी और तो कोई दिख नहीं रही है, पता नहीं, ओ शिट शिट भाई पीछे से बार मत कर, तू ना हिम्मत वाला इंसान है, ऐसे कैसे कह सकता है तू मेरे साथ इतना ज्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद पीछे से हमला कर रहा है कुछ भी। तो अभी बराबर से इसको मार दे भाई, ये भी तो मेरे पीछे ही पड़ गया है यार कुछ भी। तो अभी बराबर से मैंने सच बताओ तो मैंने जितनी बार गुफा में गया इन लोगों से मैं जीत नहीं पाया था, तो मुझे इधर पे मैं कैसे जीतू वही सोच रही थी, तो शॉर्ट गन ही मेरे लिए एकमात्र उपाय है क्योंकि मुझे जितना दूर लगती है। तो अभी इधर पे सारे ओ नहीं 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 और एक है भाई, कहाँ से आ गया भाई, जादू वादू जानता है क्या, तो बाय 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 बाय, नहीं 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 पैर पे नहीं बेटा, दूर जाओ। कहाँ चला गया, मार दिया क्या मैंने, नहीं, आ रही भाई समझ में भी नहीं आ रही यार, ऐसे इसका मतलब इसका बॉडी इतना ज्यादा ऐसा है ना कि समझ में ही नहीं आ रही है कि ये चल भी रही है अभी नहीं, तो बड़ा वैसे इनको भी मार देते हैं भाई। नहीं मारा क्या तू, अभी भी जिंदा है, शर्म का तोरा भाई, कितना मारू तेरे को, फाइनली मारा यार, फाइनली। तो अभी इधर से मैं इस वाले रूम को भी कंप्लीट, मतलब ये आसान था सच बताओ, ये आसान था। तो अभी इधर पे और एक प्रीमियम बॉक्स मुझे मिल जाती है, तो फटाफट से इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर क्या है भाई, क्या दिया भाई, अच्छा शॉर्ट गन का, अच्छा जी पहले से ही है मेरे पास, बट ये शायद थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा देता होगा, और फिर से एक बार और एक, ओ शिट यार ये गलत सीन था भाई, इधर पे कुछ नहीं बोला था, इधर पे कुछ बोला नहीं गया था भाई, कुछ दिखाया भी नहीं, अचानक से मुझे गुस्सा दिया। और ये लोग क्या है भाई, उल्ली राइनोसोरस इतना बड़ा बड़ा, और ऊपर से भाई सा खत्म में इधर पे खत्म यार, भाई इतना बड़ा बड़ा ये पैर भाई, एक साथ नहीं भाई, दूर जा मेरे से, दूर जा बोल रही हूँ, एक साथ नहीं भाई कुछ भी यार, ये लोग तो एक साथ अटक कर रहे हैं, मैं कैसे भाई सा, कितना ताकतवर है यार ये लोग, ये तो खतरनाक वाला डैमेज देता है। तो इधर भी ये लोग एक साथ मेरे ऊपर, शिट यार इन लोग का कलर देखो, माय गॉड यार काफी ज्यादा सुंदर है यार, ये तो काफी अच्छा लगा यार मेरे को इधर पे। बाय 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 बाय, सेकंड राउंड स्टार्ट है,
पीछे से क्यों भाई? ऐसे ही तुम लोगों के सामने मैं छोटा इंसान हूँ, मेरे से पीछे से भाई मेरे को मेरा कपड़ा वपड़ा सारे कुछ इन लोगों ने तुरवा दिया यार। मेरा मेडिकल ब्रू भी इधर पे काम नहीं करे, बहुत ज्यादा मेडिकल ब्रू पीता जा रही हूँ मैं इधर पे। और कलर देखो भाई साहब, और मेरा हालत देखो इधर पे भाई, इन लोगों को सामने से देखो कितना खतरनाक है ये लोग। तो अभी भाई इधर पे मैं खत्म भाई, ये दबा दिया मेरे को इधर पे पूरा भाई। दूर जा मोटे इधर से भाई, कितना मोटा है ये लोग यार, कितना बड़ा है मेरे से भाई। ये तो कम्प्लीट भाई साहब, पीछे और तो नहीं होगा भाई, भाई प्लीज भाई नहीं भाई, उड़ा दे रहा है लिटरली मेरे को इधर पे भाई। फाइनली हो गया। आई थिंक आई विश कि मैं जीत जाऊँ इधर पे, हो ही गया बस और थोड़ा सा ही है। तो चलो फाइनली इसको भाई नहीं मारा, ये क्या इंसान है यार ये भाई, फाइनली इधर पे मैं मार देती हूँ। फटाफट से मेडिकल ब्रू को फटाफट से पी लेती हूँ और फटाफट इधर पे जितना भी सारा आर्मर है मैं फटाफट पहनूँ भाई। क्या यार पहनने तो देता भाई, इतना तो टाइम देना चाहिए भाई, ऐसे कैसे कर सकता है तुम लोग मेरे साथ यार के वाले भाई। इतना सारा फिर से भेज दिया, इतने सारे मोटे गेंडे को भेज दिया भाई, पीछे भी भेज दिया भाई, कुछ भी भाई, छोड़ दे भाई इधर पे मैं खत्म भाई नहीं पूरा हेल्थ डाउन भाई, नहीं शिट यार ये नहीं कर सकता यार के वाले मेरे साथ। तो अभी पता नहीं मैंने सेव रखा था इधर पे, तो फिर से एक बार आ तो जाती हूँ, बट आगे मैं थोड़ा सा एक दो रूम और देखने वाली हूँ। पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी करके मैं इधर पे जीतने वाली हूँ। तो आज तो मैं जाती हूँ, फिर से मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। मैंने क्या क्या किया, अगर जीत पाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। पता नहीं, आज के लिए तो मैं जा रही हूँ, सीरियसली मेरे से नहीं हो रही। और तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में कल फिर से आप लोगों से। तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा। टाटा and take care.